जगदलपुर में अतिथि शिक्षकों का अनिश्चितकालीन हड़ताल के 10वें दिन संभाग के 7 जिलों के अतिथि शिक्षकों के द्वारा रैली निकालकर सरकार को अपनी मांगों के समर्थन में सरकार को अवगत कराया गया। मुख्य मार्गों से नियमितीकरण, समान काम समान वेतन की मांगों पर अपने हड़ताल के 10वें दिन सभी जिलों के शिक्षक एकजुट नजर आए और सरकार से गुहार करते हुए उनकी मांगों पर निर्णय लेने की अपील की। इन अतिथि शिक्षकों की मांग है कि नियमितीकरण किया जाए और यदि 15 दिन के भीतर सरकार हमारी मांगों के समर्थन में कोई ठोस आवश्यक कदम नहीं उठाती है तो आमरण अनशन पर पेट जाएंगे। जिला अध्यक्ष बस्तर शिक्षण सेवक संघ, और हमारी प्रमुख मांग ये है कि जो स्थानीय अतिथि शिक्षक है सबका नाम एक हो, जैसे कोंडागांव में ट्यूटर शिक्षक है, बस्तर में शिक्षण सेवक है, सबको मतलब ग्रुप ग्रुप में अलग अलग नाम दिया गया है। हर जिले में हम चाहते हैं कि सबका एक नाम हो, सबका काम भी वही है, समान काम समान वेतन, बस उसी को लेकर हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं और हम चाहते हैं कि हमारा नियमितीकरण हो। जैसी शिक्षण सत्र आता है तब रखते हैं, जैसी शिक्षण सत्र समाप्त हो जाता है तो निकाल देते हैं, और हमेशा हम लोग 3-4 चक्कर काटते हैं तब जाके हम लोग का उसमें नियुक्ति होता है। और सरकार से हम यही अपील करते हैं कि हमारी जो मांग है उसको जल्द से जल्द पूरा करें, अगर ना करती है तो हम इससे उग्र आंदोलन करेंगे। ये तो बस अभी है। हम राम प्रसाद मंडावी, संभाग उपाध्यक्ष हूँ, स्थानीय अतिथि शिक्षक बस्तर संभाग। आज का रैली हम लोगों का अनिश्चितकालीन मतलब हड़ताल में बैठे हैं 1 तारीख से। आज 10वां दिन है कि हमारे बस्तर संभाग के जितने भी 7 जिले हैं वहाँ के स्थानीय अतिथि शिक्षकों का रैली है, क्योंकि हम लोग 2013-14 से काम करते आए हैं और हम लोगों का नियमितीकरण अभी तक नहीं हुआ, जबकि विद्यमान अतिथियों का नियमितीकरण के बारे में सरकार सोच रही है, लेकिन उससे पहले हम काम कर रहे हैं मतलब स्थानीय अतिथि शिक्षक बस्तर संभाग से, तो हमारे बारे में सरकार नहीं सोच रही अभी तक। इसके संबंध में आज हड़ताल में अनिश्चितकालीन बैठे हैं, तो आगे हमारी मांगे पूरा नहीं होता है, तो मान लो मांगे पूरा नहीं होता है तो हम लोग चंगाचम नेशनल हाईवे में चक्का जाम कर देंगे। मैं स्थानीय अतिथि शिक्षक दंतेवाड़ा से हूँ। आज स्ट्राइक का हम लोग का 10वां दिन है और 10वां दिन आज हम लोगों ने रैली निकाली हुई है, और 10वें दिन के बाद 15 दिन तक हम इंतजार करेंगे सर का, छत्तीसगढ़ सरकार से हमें क्या आश्वासन मिलता है। अगर 15 दिनों के बाद हमें कुछ किसी तरह का आश्वासन नहीं मिलेगा तो हम 15 दिन बाद कोई नया रुख अपनाएंगे, जैसे कि निर्जला भूख हड़ताल, चाहे इसमें हमारी प्राण जाए या बचे या ना बचे, लेकिन हम नियमितीकरण लेकर रहेंगे सरकार से। हम पिछले 8 सालों से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में, अति संवेदनशील क्षेत्र में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं और हमको सरकार हमारी ओर सुध नहीं लेती है। इस स्थिति में हम जो स्ट्राइक है वो 15 दिनों के बाद भूख हड़ताल, निर्जला भूख हड़ताल कर सकते हैं, चाहे इसमें हमारी प्राण ही क्यों न चली जाए। धन्यवाद।